Welcome to my channel Young Mind Mechanical. Young Mind Mechanical में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम जानेंगे हीट एक्सचेंजर के बारे में और इसका टाइप्स और कोई भी एक हीट एक्सचेंजर का डिटेल्स विद इमेज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये हीट एक्सचेंजर बहुत ही वाइटल है मैकेनिकल में। आउटसाइड ऑफ इंडिया और इंडिया दोनों में जो ऑयल एंड गैस और रिफाइनरीज में जो शटडाउन वगैरह होता है, और इसमें जो मैकेनिकल टेक्नीशियन, मैकेनिकल फोरमैन, मैकेनिकल सुपरवाइजर, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इन लोगों का जो इंटरव्यूज वगैरह होता है, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हीट एक्सचेंजर। तो उससे पहले हम जानेंगे हीट एक्सचेंजर क्या होता है। हीट एक्सचेंजर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से कोई भी लिक्विड, कोई भी फ्लूइड हीट को एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब मे भी उसको ठंडा कर सकते हैं या फिर उसको गर्म कर सकते हैं। मतलब क्या, एक दूसरे से हीट को एक्सचेंज करना। सपोज हमको अगर कोई भी फ्लूइड को, कोई भी लिक्विड को गर्म करना है, तो उसके अंदर जो आदर्श लिक्विड होगा वो गर्म होगा, और ये ठंडा जब उसके अंदर जाएगा तो वो भी गर्म हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे हीट एक्सचेंजर के बारे में। नॉर्मली ऑयल एंड गैस में कौन सा प्रकार का हीट एक्सचेंजर यूज होता है। तो पहला है सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, और ये स्विचेबल है फ्लूइड टू फ्लूइड और फ्लूइड टू गैस। नेक्स्ट है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर और प्लेट एंड गैसकेट टाइप हीट एक्सचेंजर, जो कि स्विचेबल है फ्लूइड टू फ्लूइड और फ्लूइड टू वेपर में। और तीन नंबर में है फिन्ड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर और एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर, जो कि स्विचेबल है एयर गैस टू फ्लूइड में। अब हम जानेंगे एक हीट एक्सचेंजर का डिस्क्रिप्शन, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या पार्ट है, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आज हम जानेंगे। तो सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा, और उसका इमेज आपके सामने है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में नॉर्मली दो पार्ट होता है, एक होता है उसका सेल और एक होता है उसमें ट्यूब। मतलब जो उसका अंदर जो ट्यूब होता है ना, उसके अंदर ट्यूब से कोई भी लिक्विड हो, फ्लूइड हो, जिसको हमको गर्म करना है या फिर ठंडा करना है, वो फ्लूइड उसके अंदर से फ्लो होगा। और उसका आउटर पार्ट में, मतलब उसका जो सेल होगा ना, सेल में क्या है, ऑपोजिट फ्लूइड। मतलब मे बी वो अगर पानी है, अगर हमको गर्म करना है तो गर्म पानी रहेगा, अगर हमको ठंडा करना है तो ठंडा पानी उसमें रहेगा। तो दोनों मिक्स नहीं होता है आपस में। उसमें क्या है, सेल एंड ट्यूब में सेल अलग है, सेल आउटर, पूरा आउटर जो डाया है, आउटर जो है उसका मीन्स उसमें पूरा सेल रहेगा, उसका अंदर में इनसाइड में ट्यूब बहुत सारा उसमें रहेगा। तो ट्यूब के अंदर से जो लिक्विड जा रहा है उसका चारों तरफ से सेल में जो लिक्विड है उसको वो कवर करके रहेगा। तो उससे क्या होगा, जो फ्लूइड मेरा ट्यूब के अंदर से जा रहा है उसका हीट जो उसमें जो पहले से जो फ्लूइड है उसका आउटसाइड में उससे एक्सचेंज हो जाएगा। तो अगर मैं ट्यूब के अंदर से जो फ्लूइड जा रहा है उसको अगर गर्म करना चाहता है तो गर्म हो जाएगा, अगर वो ठंडा करना चाहता है तो ठंडा हो जाएगा, और जो आउट होके आउट से जो निकलेगा वो ठंडा या गर्म जो हीट एक्सचेंज होने के बाद उधर से निकल सकता है। तो नॉर्मली इसमें इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है यही है। और इसका पार्ट्स के बारे में अब जानेंगे। देखिए, इसमें बीच में सेल होता है और दो साइड में इसका डोम होता है। डोम मतलब उसका एक कवर होता है दोनों साइड से, वो खोलने के बाद आपको जो एरिया है वो सेल है, और सेल का अंदर सपोज ये राउंड में जो है ना सेल है, सेल में एक एक करके ट्यूब, बहुत सारा ट्यूब होता है, और ट्यूब और सेल दोनों एक साथ, मतलब ट्यूब के अंदर जो लिक्विड जाएगा और सेल के अंदर जो लिक्विड रहेगा, दोनों एक साथ मिक्स कभी नहीं होता है, दोनों अलग अलग है, दोनों का इनलेट अलग है, दोनों का आउटलेट अलग है, ठीक है, और एक दूसरे को वो मदद करता है हीट को एक्सचेंज करने में। तो चलिए अभी जो आपके सामने जो इमेज दिख रहा है इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
इसमें देखिए ये जो इनलेट है जो मैं एरो से दिखा रहा हूं, ये है सेल का इनलेट, मतलब जो लिक्विड जो फ्लूइड सेल के अंदर रहेगा, जो मीडियम जिसको हम यूज करेंगे ट्यूब के अंदर से जो लिक्विड जाएगा उसको ठंडा या गर्म करने में या हीट को एक्सचेंज करने में, वो इधर से सेल का इनलेट से होगा और उसका आउटलेट देखिए आउटलेट से वो निकल जाएगा और उसके बीच में देखिए उसको गाइड करने के लिए बहुत सारा बफल्स लगाया है, बफल्स और गाइड। वो लिक्विड जो है सेल का अंदर कैसे वो फ्लो होगा, वो जो देखिए मैं एरो से दिखा रहा हूँ ना, इसी माध्यम से वो ऐसे रोटेट होके ऐसे होके वो आउट जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मैं ट्यूब का, तो ट्यूब का इनलेट देखिए जो एरो से मैं दिखा रहा हूँ ये ट्यूब का इनलेट है और ये जो एरो से दिखा रहा हूँ मैं वो ट्यूब का आउटलेट है। तो ट्यूब में जो लिक्विड और फ्लूइड जिसको भी मैं ठंडा या गर्म, मतलब जिसको मैं जिसका हीट मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ, उसको मैं इसके थ्रू से इनलेट होगा और उसका आउटलेट हो जाएगा, उधर से निकल जाएगा वो। तो जितना देर वो एक्सचेंजर का अंदर रहेगा उसी अंदर में उसी टाइम के दौरान में वो जो ट्यूब है उसका आसपास में कौन सा लिक्विड रहेगा, जो सेल में जो लिक्विड है, और सेल का लिक्विड जो है वो ट्यूब का लिक्विड को ठंडा या गर्म उसका हीट को एक्सचेंज करके ले लेगा और उसका अंदर से वो फ्लूइड या लिक्विड जो भी है ट्यूब का आउटलेट से वो निकल जाएगा। तो मेनली हीट एक्सचेंजर का काम यही है और इसमें ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं जाते हैं। कोई भी शटडाउन हो या फिर गल्फ में अगर कोई मेंटेनेंस में काम करते हैं या फिर किसी में भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो इसमें नॉर्मली क्या होता है शटडाउन के दौरान या फिर रूटीन मेंटेनेंस के दौरान इसका डोम को खोलकर इसका अंदर जो ट्यूब होता है उसको क्लीनिंग किया जाता है। और बहुत समय क्या होता है ट्यूब अगर वो लीकेज हो जाए तो वो ट्यूब को चेंज भी किया जाता है, ट्यूब को वन बाय वन निकाल के उसमें नया ट्यूब हम डाल सकते हैं। तो ये हो गया इसका मेंटेनेंस का पार्ट। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर यह थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वायरी हो, इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मेरे कोई भी वीडियो में हैशटैग लगाने के बाद हैशटैग आस्क लगाने के बाद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वीकली एवरी संडे को मैं ये क्वेश्चन के ऊपर में डिस्कस करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे। थैंक यू वेरी मच।